नमस्कार दोस्तों, मैं लाल सिंह ठाकुर, आपका बी कीपर दोस्त। हमारे YouTube चैनल हिमालयन बीज बी फार्म में आपका दोस्तों मैं स्वागत करता हूं। आज 29 तारीख है मार्च की 2023 और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मधुमक्खी का स्वार्म अभी अभी मेरे बक्से से निकला है, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। आप इसको ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल को विज़िट ज़रूर करें और देखें कि किस तरीके से ये स्वार्म निकला। और ये देखिए दोस्तों, बी बॉक्स से पहला स्वार्म होता हुआ इस साल का। आप देख सकते हैं हनी बीज कैसे फ्लाइट कर रही हैं बाहर। और आज 29 मार्च को ये मेरे बी बॉक्स से पहला स्वार्म निकला है। आज आप देख सकते हैं बक्सा काफ़ी बड़ा है, 12 फ्रेम का है और अब जो है इसमें बकछूट हो गया है। आप देख सकते हैं बकछूट होने के बाद कैसी कंडीशन रहती है मधुमक्खियों की यहाँ पर। और जो जा रही है ये देखिए आसमान में, देखते हैं ये कहाँ बैठती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी एप्पल की फ्लावरिंग भी हुई नहीं है, 5-7 दिन के अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं हनी बीज ये जा रही है इस तरफ। ये लगता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पत्थर में मधुमक्खियाँ बैठना शुरू कर रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर मधुमक्खियाँ ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बैठने की कोशिश कर रही हैं और बैठना कुछ शुरू हो गई है। आप इंजॉय कीजिए मधुमक्खियों की स्वार्मिंग, देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। ये स्वार्म आपको अभी दिखा रहा हूँ किस तरीके से निकलता है और कैसे बैठता है, आप पूरा इसको देख सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं मधुमक्खी से संबंधित वीडियो जो बना रहा हूँ, आपको पता ही है कि मैं देसी मधुमक्खी पर ही काम करता हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी मधुमक्खी से संबंधित ढेर सारी वीडियो बनाते रहें। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से मधुमक्खियाँ इसे झुंड में बैठती हैं, शायद आपने देखा भी होगा लेकिन मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अभी देख सकते हैं आप किस तरीके से मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं और ये कैसे यहाँ बैठ रही हैं। ज़बरदस्त दृश्य दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जब इस तरीके से आपको दिखता है या कहीं भी मधुमक्खी ऐसी दिखती है तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रसन्नता रहती है मन में मक्खियों को देख के। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से बैठ रही हैं, किस तरीके से ज़बरदस्त भिन बना रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लस्टर जो है अपना बनाना शुरू कर दिया और बना ही दिया लगभग पहला स्वार्म फ्रेंड्स इस बार। ये हमारे बक्से, और ये मधुमक्खियाँ। दोस्तों आपको मधुमक्खियाँ कैसे पकड़नी है तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है,
लेकिन आज मैंने ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे मधुमक्खियाँ बक्से से निकली और कैसे बकछोट हुआ और कैसे ये यहाँ पर बैठ गई है। मैंने कोई भी इसमें ना पानी मारा ना कुछ, अपने आप ही यहाँ पर ये क्लस्टर बना रही है। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त क्लस्टर बनाया इन्होंने। ये लगभग 4 फ्रेम की मधुमक्खियाँ हैं। तो आगाज़ हो गया है इस वर्ष का पहला स्वार्म और बहुत खुशी का मौका फ्रेंड्स। कोशिश करते हैं आपको क्यून दिखाने की, अगर हमारे को कहीं दिख जाती है तो आपको दिखा देंगे, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रही है, इस गुच्छे में कहीं छिप गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से स्वार्म जो है अपने आप बैठ गया है और मक्खियां जो है शांत हो गई हैं, सारी की सारी यहां आकर जमा हो गई है। इस बक्से से ये मक्खियां निकली हैं, आप देख सकते हैं यहां भी शांत वातावरण, नॉर्मल कंडीशन। देखिए फ्रेंड्स, चंद सेकंड का काम होता है, 1-2 मिनट का काम बस। अगर मधुमक्खियाँ आपने संभाल ली तो संभाल ली, नहीं तो निकल गई थी। और जब आप निरीक्षण करने आते हैं तो बक्से को आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि सामान्य काम चला है, लेकिन जब आप अंदर खोल के देखते हैं तो इसमें सेल पड़े होते हैं और मधुमक्खियाँ इससे आधा निकल के जा चुकी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप निरीक्षण करते रहें मधुमक्खियों का, और इस तरीके से आप मधुमक्खियों को जो है पाल सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये स्वार्म निकला और कैसे, ज़्यादा दूर नहीं आपको मैं दिखा दूं तो ये गैप लगभग मुझे लग रहा है ये 15 फीट का गैप है। ये देखिए, यहाँ मेरा बक्सा है और यहाँ से यहाँ पर मधुमक्खियाँ बैठ गई हैं इतनी नज़दीक में, और ये मधुमक्खियाँ जा चुकी होती अगर हमने देखी नहीं होती ये। और अगर ये चुपचाप से यहाँ बैठ भी जाती हैं तो भी जब तक हमारी निगाह इनके ऊपर नहीं पड़ती है तो हमें ये नज़र नहीं आती है, और ये आधा घंटे के बाद या फिर उससे पहले भी यहाँ से जा सकती हैं। तो दोस्तों, मैं अब एक बक्सा ले आता हूँ और इनको उस बक्से में डाल देता हूँ। तो बक्से बनाने बक्से में डालने की वीडियो तो मैंने काफ़ी सारी बना रखी है। तो फ्रेंड्स, मैं करता हूँ ये काम। इस तरीके से दोस्तों, मैंने मधुमक्खियाँ इस बक्से में डाल दी हैं और मैंने गेट इसमें लगा रखा है ताकि मधुमक्खियाँ एकदम से ना भाग जाएं। इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारी मधुमक्खियाँ निकल गई हैं क्यून गेट से, और ये इतना बड़ा क्लस्टर बना दिया फिर से। लगता है एक और कोशिश करनी पड़ेगी बक्से में डालने की। आप देख सकते हैं ड्रोन अंदर फंस गए हैं और क्यून का कुछ पता नहीं लग रहा है, ना तो अंदर दिख रही है और ना इस मुझे क्लस्टर में दिख रही है। लगता है इसी क्लस्टर में है तभी ये यहाँ बैठ गई है। तो एक बार और कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए दोस्तों, दूसरी बार डाला है फिर भी मधुमक्खियाँ बाहर निकल रही हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, इस बक्से में बैठना पसंद ही नहीं कर रही है। फिर से बाहर निकल गई हैं और कुछ हवा में भी उड़ रही हैं। ये वहीं वापिस आ रही है बार बार, जबकि रानी भी इधर नहीं है, रानी तो बक्से के अंदर ही है, लेकिन ये बक्से से बाहर भागने की कोशिश कर रही है फिर भी। ये देख सकते हैं आप, फिर से बक्से के बाहर ही क्लस्टर बना रही हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो क्यून है ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको क्यून गेट के
के अंदर फंसी हुई दिखा रहा हूँ, ये रानी है, कोशिश कर रही थी निकलने की। देखते हैं एक और ट्राई करते हैं, क्यों नहीं बैठ रही है भाई। तो बड़ा मुश्किल हो गया मधुमक्खियों के साथ, पहला स्वार्म और पहली बार ही लगता है इन्होंने कहीं जगह ढूंढ रखी है जहां ये जाने की सोच रही हैं, तभी ये बक्से में नहीं बैठ रही हैं। एक और कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तीसरे कोशिश करने पर ये मधुमक्खियां अब अंदर चली गई है। तीसरी बार ये बक्से में मैंने डाली, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। ये देखिए थोड़ी सी रह गई है बाहर और ये भी अंदर जा रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे में क्या होता है जब मधुमक्खियाँ, अगर आपने रानी अंदर के ये गेट में फंसा के रखी है, गेट लगा रखा है, तो क्या होता है ऐसे में कोई दूसरा स्वर्म कहीं आसपास से और भी निकल जाता है जो बहुत ही छोटा होता है, जो सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो वो आके ऐसे मधुमक्खियों के साथ हवा में मिक्स हो जाता है और वो जो मधुमक्खियां हैं वो उस स्वार्म के साथ, उस रानी के साथ भाग जाती है और बक्से में कई बार क्या है अकेली रानी रह जाती है। तो फ्रेंड्स इस बात का भी आप ध्यान रखें कि किस तरीके से हमने स्वार्म को जो है जल्दी से जल्दी इकट्ठा करना है, और कोशिश करें कि आसपास अगर कोई दूसरा स्वार्म आता है तब तो और भी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में आप ध्यान ही रखें कि किस तरीके से आपने उसको फिर हैंडल करना है। तो दोस्तों अब ये मिशन कंप्लीट हो गया, इस बक्से को मैं अभी उठा के जहाँ मैंने इसको रखना है वहाँ ले जाऊँगा थोड़ी देर में और इसको वहाँ पर रख दूँगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो स्वार्म को पकड़ने की, और जो स्वार्म मैंने निकलता हुआ दिखाया तो इसके ऊपर ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल हिमालयन बीज वी फार्म को। तो इसके साथ लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार।